हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो हमने बनाई है जहाँ पर आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। वी रिसीव आर फर्स्ट वेरी फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब। सो यहाँ पर हमने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है और इसमें एक मैसेज दिया है, उस मैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप सभी को मैं थैंक यू सो मच कह सकूं। तो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दो स्टॉक से रिलेटेड, और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, उस चीज को ध्यान से सीखिएगा जब टेक्निकल के रिलेटेड बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, तो दो स्टॉक्स आपने नाम देख ही लिए है उनसे रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। बट वो स्टॉक्स में बारे में बात क्यों करने वाला हूँ एज वेल एज हम निफ्टी का व्यू भी देखेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले और यहाँ वीडियो में आप सीख सके। रियल लर्निंग आपको यहाँ पर ही मिलेगी, यहाँ पर फ्री में कोई भी बिना पैसे के यहाँ पर रियल लर्निंग मिलती हुई दिखाई देगी। तो इन नंबर पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। कल यहाँ पर वीडियो बनाई थी ब्रिटानिया अडानी बिलमार, अगर मैं आपको दोनों का हल दिखा दूंगा आपको तो आप कहेंगे कि हाँ हमने जो आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडी, ओके उसके बेसिस पर बताया था, यहाँ दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है, ओके शूटिंग स्टार्स बनता हुआ दिखाई दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई देती है, एक बियरिश कैंडल होती है और एक ऊपर जाके गिर जाते के दिखाई देती है और यहाँ पर आज के दिन में ये शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया है 3%। तो यहाँ पर पूरा ये एक ट्रैप था जो ऑपरेटर ने यहाँ पर ऑपरेट किया। और देखिए जब भी अच्छी वीडियोज बनाता हूँ तो आप देखा करें, आप देखेंगे तो चीजें समझेंगे, इसलिए जितना हो सके लास्ट वीडियो को देखा करें। इसके अलावा अडानी बिलमार की हमने बात करी थी, जब अडानी बिलमार की बात करी थी तो कल मैंने कह दिया था कि यहाँ पर लोअर सर्किट का सिलसिला चालू हो गया है और आज एक मौका दिया था जैसे कि कैंडल दिखा रही है और यहाँ पर निकलने का मौका था। आप यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई अभी जिस तरीके से रीजन भी बताया था कि इन दोनों शेयरों में कुछ नहीं है जो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की साजिश की जा रही है और वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, बेशक कितने भी रिटर्न दिए हो। जब तक आप फंडामेंटली ये देखिए, कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी आपने अच्छे रिटर्न बना लिए, इस तरीके की रैली को पार्टिसिपेट कर लिया जस्ट बिकॉज आपने किसी के कहने पर सुनने पर बिना स्टडी के आपने ले लिया। बट अगर स्टडी के साथ में आप काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, आप फंसते हुए दिखाई नहीं देंगे एटलीस्ट। और यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, ओके एक आध साल में कुछ नहीं होने वाला और बहुत टाइम देना पड़ेगा तब जाके मार्केट में आप करोड़पति मिलेनियर और बिलेनियर बनते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ओके, मैंने कल यहाँ पर लेवल देते हुए दिखाई दिया था, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि इसके नीचे अगर यहाँ पर इसे ऊपर जाने के लिए ये लेवल को क्रॉस करना जरूरी है जो कि आज इसने किया भी, बट ये एक ऑपरेटर की चाल होती है जैसे ही ऊपर ले जाते हैं, ले जाने के बाद अगेन आए आके यहीं पर ही इसने सपोर्ट किया और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। कल भी मैंने बता दिया कि अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है तो सीधे यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा 16400 की तरफ और उसके बाद यहाँ पर 16200 तक भी ये शेयर आता हुआ निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और असली तेजी के लिए यहाँ पर ये लेवल, उसके बाद इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे करके ये लेवल और ये लेवल, ये सारे लेवल्स को निकालना जरूरी है तभी जाके इसमें एक तेजी होगी। तो ये लाइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये जितनी भी ट्रेंडिंग लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि मार्केट में क्या चाल रहने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग लोग ट्रेड लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोग शेयर को चूज करते हैं कि शेयर अब नीचे आ गया बाई करो, शेयर अब ऊपर चला गया अब सेल करो। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो कि टेक्निकल की जब क्लासेस लेंगे तब आपको ये सब चीज बताता हुआ दिखाई दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस का पेशेंटली वेट करना होगा। इसके अलावा देखिए एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं जब भी इस तरीके की रैली हो ओके, तो आपको यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर ओपन करके कैंडल, ये तो है कैंडल चार्ट, ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में देखिए किसी भी तरीके की हरकत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लाइन चार्ट नीचे ही दिखाई दे रहा है बिल्कुल कंसोलिडेट होते हुए। जैसे कि यहाँ पर कैंडल चार्ट है, कैंडल चार्ट ऊपर भागा, भाग के यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया, बट लाइन चार्ट देखेंगे तो लाइन चार्ट में कोई भी हरकत नहीं दिखाई दी, सेम
कल ब्रिटानिया में होता हुआ दिखाई दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था कि ब्रिटानिया में किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर ये लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर शेयर भागा है, बट अगर लाइन चार्ट पे जाएंगे तो लाइन चार्ट बताएगा कि किसी भी तरीके की कोई तेजी नहीं हुई। ओके, ये सिंपल ये जो भागा था ये एक ट्रैप था जो यहाँ पर फंसाया गया था, फंसाने के बाद चीजें नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज को भी यहाँ पर लाइन चार्ट पे जाके एक बार देख लिया करें तो ये चीजें आपको समझ में आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये आपका जो मैंने निफ्टी का बारे में आपको बताया, एज वेल एज कल वीडियो और बनाई थी यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर इनसे रिलेटेड बातें करी थी, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर थंबनेल में लिखा है निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी में होगी तेजी। तो यहाँ पर किस वजह से बोला, क्योंकि चार्ट बोल रहे थे, चार्ट कह रहे थे भाई मैं नहीं गिरने वाला। ओके, निफ्टी आईटी कह रहा था मैं बहुत गिर लिया, निफ्टी मेटल कह रहा था कि मैं गिरने नहीं वाला, मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ। ओके, और मैं तेजी का घोड़ा हूँ और मैं तेज ही रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो गया, इसने सपोर्ट यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ से नीचे के लेवल से तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी है, 38 पॉइंट की तेजी है, बेशक से थोड़ी सी पॉइंट की तेजी है बट तेजी है। याद रखिए निफ्टी मेटल में अगेन तेजी होने वाली है, और यहाँ पर निफ्टी मेटल को आप चाहे तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेयर यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, तो उन शेयरों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, नेल्को हो गया, यहाँ पर जो शेयर यहाँ पर चलते आ रहे हैं, गिर ऊपर जाके थोड़े से गिर के या कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो देखिए रैली यहाँ पर बनी हुई है, तेजी यहाँ पर ये फ्लैग बनाया, फिर तेजी यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर टॉप और ऊपर जाके ये शेयर और भागता हुआ नजर आ सकता है, तो नजर रखिएगा। अगर बट ये गिरावट होती है तो सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। निफ्टी आईटी की मैं बात करूँ तो निफ्टी आईटी यहाँ पर देख लीजिए, निफ्टी आईटी भी यहाँ पर कह रही थी भाई मैं बहुत गिर ली हूँ, अब मैं नहीं गिरने वाली। तो यहाँ पर 2% की तेजी, 637 यहाँ पर कल वीडियो में बताया था, यहाँ पर देखिए निफ्टी आईटी और उसमें होगी तेजी। तो आज निफ्टी आईटी भागता हुआ दिखाई दिया, बट अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं निकल लेगा जो मैंने आपको बताया था, ओके 31,865, तो यहाँ पर समझिए तेजी नहीं होने वाली। जब एक लेवल ये निकाल लिया तो सीधे यहाँ पर ये शेयर 33,000 की तरफ, 33,300 की तरफ जाएगा, 33,300 गया तो फिर सीधे यहाँ पर ये लेवल, तो धीरे धीरे टाइम लगा के ये ऊपर जाएगा, एक साथ नहीं भागने वाला, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वेट करना होगा, इसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। अब बात कर लेते हैं दो स्टॉक से रिलेटेड, ओके कभी इंडिविजुअली उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, तब इसके फंडामेंटल्स और उसके बिजनेस मॉडल के रिलेटेड बातें करेंगे, बट इन दो शेयर के टेक्निकल से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिनमें से यहाँ पर एक स्टॉक है एशटेक। एशटेक के यहाँ पर दो दिन पहले ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिजल्ट आए थे। शेयर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सॉरी ये एशटेक इंडस्ट्रीज आ गया, एशटेक लाइफ साइंस की बात करने वाले हैं। ओके, इंडस्ट्री में भी यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ पर हम बात करने वाले इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए ये शेयर ऊपर भागा, कल की गिरावट थी नीचे आ गया, आज अगेन इसने कोशिश करी, कोशिश करके फिर नीचे आ गया। ओके, और शायद ये शेयर थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, बट ये है तेजी का घोड़ा। किसी को ट्रेड करना है, हमेशा ट्रेड कैसे शेयर में करें, हमेशा ट्रेड ऐसे शेयर में करिए जो तेजी का घोड़ा है। ओके, जो तेज ऊपर ही ऊपर भागते जा रहा है, उन शेयरों में ट्रेड करने में फायदा होता है। ओके, गिरे हुए शेयरों में केवल स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म के पर्पस से यहाँ पर शेयर खरीदे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ बात करें तो देखिए तेजी हुई, गिरावट हुई, इसे असली तेजी के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को निकालना बहुत जरूरी है, जो इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस और मेन रेजिस्टेंस नजर आता है 2100 के आसपास का, जो यहाँ पर इसने निकाला, तो एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है। बेहतरीन रिजल्ट, कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ नजर आती है, तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इसके फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर वीकेंड पे कोई वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बाकी ये शेयर अगर थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि लगातार तेजी नहीं होती, तेजी होने के बाद गिरावट होती है, फिर तेजी होती है, गिरावट, फिर तेजी होती है, फिर गिरावट, अगेन तेजी हो रही है, फिर गिरावट, अगर ये शेयर यहाँ पर गिरावट में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मिलता है, ओके, तो यहाँ पर इस शेयर को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और ये शेयर फिर उसके बाद एक्युमुलेट करेंगे और फिर पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो एशटेक की तरफ आपको ध्यान देना है कि ये शेयर यहाँ पर ये लेवल निकालेगा, तब तक जाके यहाँ पर ट्रेडिंग का मुहूर्त बनता हुआ नजर आएगा, बट कि नीचे आएगा तब यहाँ पर बाइंग करेंगे तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ये 1752 के आसपास शेयर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा, ये इसके दो पिवट पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक शेयर ये होगा, एक शेयर हो रहा है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया की अगर मैं बात बताऊं, इसके रिजल्ट आए बेहतरीन, इसके रिजल्ट आए, ओके, और रिजल्ट के बाद ये शेयर एक दिन तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, और आज देखे तो आज ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है, बट यहाँ पर एक लाइन होती है ट्रेंडिंग लाइन,
ओके, मैं इसमें भी आपको थोड़ा टेक्निकल समझा देता हूँ। ट्रेंडिंग लाइन होती क्या है? ट्रेंडिंग लाइन वो लाइन होती है जो यहाँ पर खींची जाती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाई टू हाई मिला के और लो टू लो मिला के यहाँ पर कोई भी लाइन खींची जाती है, तो यहाँ पर एक वो ट्रेंडिंग लाइन बनती हुई नजर आती है। तो ये इसका हाई है, ओके। और यहाँ पर बात करें, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पर देखिए ये है ना, तो इस तरीके से ये ट्रेंडिंग लाइन खींची जाती है और उसी के आसपास आके चीजें ऊपर गई, यहाँ पर क्रॉस करती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं कल भी इसमें एक तेजी होती हुई दिखाई देगी। बट इसे असली तेजी होने के लिए अब जो इसने अभी हाई बनाया था आज का, ओके, इस लेवल को अगर ये तोड़ता है 2293 और 2300 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे यहाँ तक लेके जा सकती है। और इसके बाद यहाँ पर कॉशियस रहना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट पे आ जाएगा तो या तो ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा ब्रेकडाउन, बट कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन थे। और अगर ये शेयर इस लेवल पर मिल जाता है, शेयर यहाँ पर नीचे मिल जाता है 2000 के लेवल पर, तो यहाँ पर मौका मच चुकेगा, चुपचाप यहाँ पर उठा लीजिएगा, क्यों? क्योंकि बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जब चीजें ऊपर जाएंगी तो अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। तो दो स्टॉक एबीबी इंडिया, जहां पर ये सपोर्ट नजर आता है, ये रेजिस्टेंस नजर आता है, ये क्रॉस किया तो ये इसके बाद सीधे यहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा और फिर ब्रेकआउट की कहानी होती हुई नजर आएगी। तो ये दो स्टॉक एबीबी इंडिया और एक एसटेक लाइफ साइंस, इन दो स्टॉक्स की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। दोनों में अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आ सकते हैं, बट एबीबी इंडिया थोड़ा सा नीचे आ जाए तो स्विंग ट्रेड के पर्पज से यहाँ पर खरीद सकते हैं, और एबीबी इंडिया भी नीचे आ जाए तो खरीद सकते हैं। तो ये स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्हें अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, ताकि जब आप यहाँ पर अगली बार जब इनके रिजल्ट आएंगे, ओके, उस तब तक ये शेयर थोड़े बहुत जरूर नीचे आएंगे, ओके। और नीचे आने के बाद जैसे ही नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा करके बाई कर ले रहना, और जब भागना शुरू करेंगे तो इतने अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे कि आप यहाँ पर खुश होते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जितना हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारे इस चैनल का कोई वजूद नहीं है। तो इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।